नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी, आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर है। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है और हम ओजोन दिवस से संबंधित कुछ फैक्ट आपके बीच लाए हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट सब्जेक्ट जो है वो उससे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो ओजोन परत का इम्पोर्टेंस है, उससे संबंधित फैक्ट, ओजोन परत के बारे में हम जानेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चर्चा बेसिकली करेंगे कि ओजोन परत क्या है, कैसा है, थोड़ा सा उसका एक बेसिक चीज आपको हम बताने का काम करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा था वह ओजोन नाम के तत्व से पूरी तरह मैच कर गया। सूर्य से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो हिस्सा हमको नहीं दिखाई देता था वह ओजोन नाम के तत्व एलिमेंट से पूरी तरह मैच कर गया, जिससे वैज्ञानिक जान गए कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ही वह तत्व है जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा है। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन ब्रिटेन के मौसम विज्ञानी GMB Dobson ने किया। किसका अध्ययन किया इसने? GMB Dobson ने किया। ये ब्रिटिश के मौसम विज्ञानी थे। उन्होंने एक सरल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया। देखिए, स्पेक्ट्रम फोटोमीटर क्या है? यह बना है किससे? सूर्य की एनर्जी को कहते हैं फोटो, नापने के लिए मीटर, और स्पेक्ट्रो मतलब जिसमें प्रकाश आता है बंडलों के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो इसका पूरा नाम पड़ गया स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विकसित किया गया, जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को भूतल से माप सकता था, भूतल मतलब जमीन से। 1928 से 1958 के बीच डॉब्सन ने दुनिया भर में ओजोन के निगरानी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया था जो आज तक काम करता है, मतलब 2008 तक। ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉब्सन कर दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर स्टडी ही किसने की थी? डॉब्सन साहब ने की थी। किस सम्मान में इसका नाम क्या रख दिया गया? डॉब्सन इकाई रखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है डॉब्सन। आगे की ओर हम तथ्य की ओर बढ़ते हैं। ओजोन की परत की खोज जो है, यहां पर बात मैं कर रहा हूं ओजोन परत, ओजोन लेयर की बात कर रहा हूं, मैं ओजोन गैस की बात नहीं कर रहा हूं, उसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं आप लोग और क्वेश्चन गलत करते हैं। देखिए, अब पहले मैंने क्या बताया आपको कि ब्रिटेन के जो मौसम विज्ञानी थे उन्होंने क्या किया? पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रहा था। इसके गुणों का विस्तार से अध्ययन किसने किया? पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन कर रहा? ओजोन परत कर रही। उसका विस्तार से अध्ययन किसने किया? GMB डॉब्सन ने किया। और उसी से उन्होंने ओजोन के निगरानी केंद्रों को स्थापित किया। इसलिए ओजोन की मात्रा, ओजोन परत की नहीं, मैं ओजोन की बात कर रहा हूं, ओजोन की मात्रा मापने की सुविधाजनक इकाई का नाम डॉब्सन कर दिया। अब यहां मैं कह रहा हूं कि ओजोन परत की खोज 1913 में किसने की थी? फ्रांस के भौतिक विदो फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। फ्रांस के भौतिक विदों ने, किसके? फ्रांस के भौतिक विदो फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। इनसे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से आने वाले प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्हें पाया कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे तथा 310 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों ने इसी से यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई तत्व अवश्य पराबैंगनी किरणों को सोख रहा है, जिससे कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र बन रहा है तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण नहीं, पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहा। इस चीज को समझे। ओजोन परत की खोज किसने की? फ्रांस के भौतिक विदों ने, फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की। इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने जब सूर्य से जो आने वाला प्रकाश का स्पेक्ट्रम देखा तो उन्हें पाया कि उसमें कुछ काले रंग के क्षेत्र थे तथा 310 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ का कोई भी रेडिएशन सूर्य से पृथ्वी तक क्या है, नहीं आ रहा था। वैज्ञानिकों ने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि कोई ना कोई तत्व अवश्य पराबैंगनी किरणों को सोख रहा है, जिससे कि स्पेक्ट्रम में काला क्षेत्र क्या है, बन रहा है तथा पराबैंगनी हिस्से में कोई भी विकिरण दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो एक बेसिक जानकारी बता दी ओजोन की। अब थोड़ा ओजोन से जुड़े कुछ हम तथ्य को जान लेते हैं। ओजोन से जुड़े कुछ दिलचस्प की बात करें, ओजोन परत तेज बदबूदार जो है नीले रंग की क्या होती है? एक गैस होती है। साल 1840 में ओजोन की खोज क्रिश्चियन फेडरिच
स्कोन बे ने की थी, जिन्हें उन्होंने ग्रीक नाम पर ओजोन नाम दिया। अब यहां कंफ्यूज मत हुई, ओजोन परत की खोज फ्रांस के वैज्ञानिकों ने की, ओजोन की खोज जो 1840 में किसने की, क्रिश्चियन फ्रेडरिच स्कोन बे ने की, जो कि कौन से थे, एक ग्रीक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने ही ग्रीक नाम पर किसका, इस गैस का नाम क्या रख दिया, ओजोन रख दिया। उन्होंने, ओजोन क्या है, ग्रीक नाम है, तो इसकी खोज किसने की, क्रिश्चियन फ्रेडरिच स्कोन बे ने की। याद रखें, परत की खोज फ्रांस वैज्ञानिकों ने की। ओजोन परत धरती से 12 से 20 मील क्या है, ऊपर है। साल 1995 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद के बारे में पता लगाया गया, हालांकि सीएफसी केमिकल पर बैन लगने से ठीक कर लिया गया। मतलब जो गैस होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे ही जो है आपकी ओजोन परत नष्ट हो रही, उस पर बैन लगा दिया गया है, अब उससे हालात सुधरेंगे। अंटार्कटिका में खोजा गया छेद 29 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक था, जो रूस और कनाडा को मिलाकर बने देश से भी बड़ा है। अब समझ लीजिए कितना बड़ा रशिया है और कितना बड़ा कनाडा, इनको मिला के जो है वो क्या है आपका, वो छेद अंटार्कटिका को ऊपर देखा गया। और यदि ये ओजोन परत नष्ट हो गई तो परावैगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे इस पृथ्वी पे आएंगी, जो कि लोगों के अंदर स्किन कैंसर और भी गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। ओजोन डे कब मनाया जाता है, ओजोन डे पहली बार ओजोन डे साल 1995 में मनाया गया था। साल 1970 में वैज्ञानिकों ने ओजोन परत के छेदों के बारे में पता चला, जिसके बाद विश्व के कई देशों की सरकार के लिए यह चिंता का विषय बन गया। 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में ओजोन लेयर को हुए नुकसान के लिए कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दुनिया के 33 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1989 को हुई। इस प्रोटोकॉल का लक्ष्य है कि साल 2050 तक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल को कंट्रोल किया जाए। तो ये एम है कि 2050 तक हम वो सभी चीजें, केमिकल हटा दें जिससे ओजोन परत को होता है, और 1987 को जो है ओजोन लेयर को नुकसान के लिए कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पर 33 देशों ने एक हस्ताक्षर किए, और इसीलिए आप देखें कि पहली बार ओजोन डे, देखिए ये ओजोन को बचाने के लिए हुआ, लेकिन ओजोन डे पहली बार ओजोन डे साल 1995 में मनाया गया। तो ये फर्क है, मनाया गया 1995 में और बैठक 16 सितंबर 87 को ओजोन लेयर को बचाने के लिए हुई थी, और इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1819 से होने लगी, और वो सब प्रोटोकॉल के लक्ष्य तय किए गए उसमें कि हम सभी केमिकल्स ऐसे हटा देंगे जिससे ओजोन परत को क्षति पहुंच रही है। तो ये ओजोन परत को लेके हमारा एक वीडियो था। अगला वीडियो किसी और टॉपिक पर आएगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।